हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए टियारा बनाने वाले हैं। बहुत ही ईजिली आप बना सकते हैं। और ये मैं पहनाऊंगी कान्हा जी को धोती और कुर्ते के साथ। ये देखिए, 6 नंबर के कान्हा को आपको पहना के दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से आप इसे पहना सकते हैं। ये देखिए, ये हम बाल बाल आप इस तरह से लगाएं, और बाल लगाने के बाद ये इस तरह से आप पहना सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए, सॉरी, ऐसे करके आएगा, बहुत ही सुंदर लगता है। और बहुत ही इजी तरीके से आप भी इसे बना सकते हैं अपने कान्हा जी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने ये टियारा कैसे बनाया है कान्हा जी के लिए। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हमें इस तरह से बनाना है। इसके लिए हमें ये वायर चाहिए। ये काफ़ी लंबी होती है, कम से कम 15 से 20 इंच लंबी होती है वायर। और इसके साथ हम लेंगे ये मोती। इसमें से मैंने ये 4.5 इंच लंबाई की वायर कट की हुई है। ये देखिए, यहाँ से ही हो जाता है, इसमें किसी भी टूल्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह से ऐसे मोती को डालना है। ये देखिए, इतना डालने के बाद यहाँ से हम इसे ऐसे हल्का सा हाथ से ही ऐसे दबा देंगे। ये देखिए, ये मैंने दबा दिया, यहाँ पे हमारा रुक गया है। अब बस हमें क्या करना है, इसे ऐसे मोती को पकड़ के और राउंड घुमा देना है। ये देखें, ये कितना इजीली हमारा हो गया। इसे करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से ये आपका होके कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा हो गया। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पीसेस, ये हमारे कम से कम 15 से 20 पीसेस है, और ये भी होगा उतना ही, मैंने काउंट नहीं किया है। और साथ में मैंने इस तरह के ये रोज लिए हुए हैं, इसलिए भी वायर में लग के ही आते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये ऐसे वायर के साथ हम इसी तरह से इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे ड्रेस में यही सारे कलर हैं। तो मैंने 3-4 फ्लावर ले लिए ग्रीन में, और रेड में भी ले लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी हमारी ये ड्रेस बन के रेडी होगी। ये देखें, ये इस तरह से, ये ऐसे करके, सॉरी मैं ड्रेस बोल गई, ड्रेस की आदत है बनाने की। बहुत ही सुंदर ये हमारा बनके रेडी होता है। ये देखें, ये इस तरह से हमें एक पीस लेना है। इसके साथ हम एक पीस ये लेंगे। ये देखिए, हल्का सा ऊपर नीचे इस तरह से होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके हम इसे आपस में लगा लेंगे। ये हमने ऐसे करके देखें रोल कर दिया, ये यहाँ पर हमारा दोनों टिक गया है। अब फिर हम इसमें से ये रेड वाला लेंगे और इसे इस तरह से करके यहाँ पे हम लपेटेंगे, ये ऐसे करके। ये देखिए, ये सभी को आप एक साथ इस तरह से लपेट सकते हैं। ये हमने लपेट दिया। अब यहाँ पे हम अपना एक ये ग्रीन वाला फ्लावर ले लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से आएगा यहाँ पे, और इसे भी हम इस तरह से लपेट लेते हैं। किधर से भी आप इसे बस लपेट लें, यहाँ पर ये आपका इस पर आ जाना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से हमारा लग गया। अब फिर इसके बगल में हम ऐसे करके ग्रीन कलर इधर से भी कुछ निकालते हैं, तो इधर से निकालते हैं रेड कलर पहले, क्योंकि हमने ग्रीन फ्लावर लगाया है। तो इस तरह से हम इधर से निकालेंगे, ये मैंने रेड कलर निकाल दिया, ये देखें, और इधर से भी रेड ही निकाल लेते हैं। ये बस इस पे हमें ऐसे लपेटते चले जाना है। ये देखें, बहुत ईजिली हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है गाइस। इधर से भी निकाल लेते हैं, कुछ पास कर लेंगे, कुछ दूर कर लेंगे, इस तरह से करके हमें इसे बनाना है। ये बनाने के लिए आपके पास वायर होनी ही चाहिए, बिना वायर के आप नहीं बना सकते हैं। ये देखें, इसमें से और ग्रीन कलर लूंगी और लगा लेंगे यहाँ पे, ये ऐसे करके। ये एक भी खुलता नहीं है, इसी में ये हमारा बनता चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये फ्लावर ले लेते हैं एक रेड कलर का, और इसे लगा लेते हैं। यहाँ से हमने इसे लगाया, और फ्लावर के बाद फिर हम ये ग्रीन कलर लगाते हैं। बस आपको इसमें कलर कॉम्बिनेशन देखते जाना है थोड़ा थोड़ा सा, और इसे लगाते जाना है। आपका बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत इजी तरीके से गाइस बनके ये रेडी होता है, और वायर भी हमारी यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी ऐसे ही। तो यहाँ पे आपको ये जितनी भी लंबाई का चाहिए हो आप बना सकते हैं, ये इस तरह से ऐसे। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये दो ले रहे हैं, इस तरह से ले लिया मैंने। और लेने के बाद इन दोनों को पहले आपस में
इस तरह से लपेट दिया, और लपेटने के बाद यहाँ ऐसे करके हम इन दोनों को लगा देंगे, ये ऐसे। आप इसे अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। बहुत इजीली बनता है गाइस, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से आप इसे टर्न भी कर सकते हैं, और एक को यहाँ भी लगाते हैं बीच में भी, बीच में थोड़ा खाली लग रहा है। इसी में से हम अपने हिसाब से कलर लेते जाएंगे और इसे इस पर लपेटते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा इतना बड़ा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये टियारा रेडी हो रहा है, और जब कान्हा जी को हम लगाएंगे तो ये और भी सुंदर लगेगा। अब फिर से मैं दो कलर ले लेती हूँ, ये इस तरह से मैंने लिया, इसमें एक आध पीस और लगाते हैं। ये हमने लगाया, और लगाने के बाद इसे हम यहाँ पे ऐसे करके लगा देंगे। ये हमने लगा दिया, अब इसे हल्का सा फैला लेते हैं, और फैलाने के बाद ये अपना ग्रीन कलर वाला फ्लावर इसके सेंटर पे लगा लेते हैं। सभी में वायर है तो किसी को भी आपको लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए ये सब हमारा लगता चला जा रहा है, और कुछ भी यहाँ पीछे से हाथ में चुभ भी नहीं रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब फिर हम यही करेंगे, ये देखिए ये एक एक दोनों लेके, और ये हमने लगा लिया। इस तरह से लगाना बहुत इजी है, अगर आप पहले ही दोनों में से ले लेते हैं और फिर इन्हें इस तरह से लपेट दें। हम ये हमने यहाँ पे चार पीसेस लिए हैं इस बार, और इन चारों पीसेस को हम इस तरह से यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखिए ये पूरा हमने इसी में इस तरह से लपेट दिया। बिना किसी टूल्स के आप इसे इजीली बना सकते हैं, और आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। और यहाँ से हम इसे इस तरह से सेट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप इजीली इसे कर सकते हैं। अब फिर से हम बनाते हैं, ऐसे ही करके ये हमारा बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे हमने रेड और ग्रीन कलर लिया है, इन दोनों को आपस में लगा लेंगे, और फिर यहाँ से रेड कलर लेंगे, इसे भी हमें लगा देना है। यहाँ से देखिए पीछे हमारी वायर इसी तरह से बचती चली जाएगी एंड तक, क्योंकि यहाँ से देखिए ये बढ़ती चली जा रही है। ये ऐसे करके जब हम लगा रहे हैं अपना नया पीस तो ये हमारी बढ़ रही है, जैसे करके आ गई। ये देखिए बहुत सुंदर लगेगी जब हम पहनाएंगे इसे कान्हा जी को। तो थोड़ा सा भी मुझे और बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे और लगा लेती हूँ, दो पीसेस लगा लेते हैं। ग्रीन हमारा भी थोड़ा ज़्यादा बचा हुआ है, और रेड हमारे पास जो है वो थोड़ा कम है, तो चलें इसे भी यहाँ पे लगाते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ से अपना रोल्स लेंगे रेड कलर वाला, और इसे यहाँ इस तरह से लगा लेंगे, ऐसे करके आ गया। अब बस यहाँ से हम ग्रीन वाला अपना लेंगे, और इन दोनों को इस तरह से एक ही में हमें लगाना है। फिर यहाँ से हमने रेड लिया, और यहाँ एक रेड लगा लेंगे और एक ग्रीन, ये इस तरह से लग गया। अब बस इसे यहाँ पे हमें अपना एडजस्ट कर देना है, ये देखें ये इस तरह से हमारा हो गया। अब से मैं सही बना के इधर भी लगाते हैं, बस ये हमारा कंप्लीट भी होने वाला है। इस तरह से आप अपने छोटे बेबी के लिए भी टियारा बना सकते हैं, ऐसे करके। ये सारी चीज़ें आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी, जो जो मैंने यूज़ की हुई हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने लगाया, और लगाने के बाद इसमें से कुछ को हम यहाँ ऐसे सेंटर पे कर लेंगे। ये सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और बस यहाँ पे हम अपना ये ग्रीन कलर लगाएंगे। ग्रीन कलर लगाने के बाद इसे हमने इस तरह से किया, और यहाँ पे अब इन दोनों को एक एक करके लगा देती हूँ इस तरह से। एक यहाँ से रेड आया, और एक एक दोनों साइड से ग्रीन कर देंगे। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया।
ये देखें, ये आपके सामने मैंने पूरा बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होती है गाइस बनाने में। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। ये पूरा ऐसे करके इसे भी राउंड कर देंगे, तो ऐसे करके हमारा ये टियारा आएगा खाना जी। तो आपने देखा इसे बनाना कितना इजी था, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसे बनाना बताया है। पहन आके मैं यहीं कहीं किनारे फोटो लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।